सिरसा की अनाज मंडी गेट नंबर 4 के पास दिन दिहाड़े लूट का मामला सामने आया है। सूचना पाकर सीआईए सिरसा प्रदीप कुमार व शहर थाना प्रभारी ईश्वर मौके पर पहुंचे और हर एंगल से मामले की जांच शुरू की। डीएसपी आरएन चौधरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया है। मिली जानकारी के अनुसार रमेश जिंदल के बेटे अंकुश जिंदल सुबह 11 बजे ई ब्लॉक स्थित अपने घर से चला। उसके हाथ में कैश का बैग था। जैसे ही वह दुकान में पहुंचा तो कैबिन में बैठा वहीं दो आदमी मुंह बांधे हुए आए और पिस्तौल तान दी। इसके बाद लुटेरे अंकुश से कैश का बैग लेकर वहां से भाग गए। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। पत्रकारों से बातचीत में डीएसपी आरएन चौधरी ने कहा कि 3 व्यक्तियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात से पहले रेकी होने की भी बात कही गई है। आज लगभग 11:15 बजे के आसपास न्यू अनाज मंडी में एक रेता बजरी की शॉप है जिसमें एक लड़का है, वो मोबाइल का भी काम करता है। तो कुछ लोग तीन व्यक्ति हैं अभी जो हमें देखने पर जो लग रहा है और पूछताछ से जो हमें लग रहा है कि 3 व्यक्ति थे वो, और उन्होंने शायद पहले भी रेकी की है, आज भी रेकी की। जैसे ही वो आया तो उसके पीछे वो गए दो लड़के और उसको पिस्टल पॉइंट पे उनके पास एक बैग था, उसको स्नैच किया गया जिसमें वो बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4-5 लाख रुपीज़ थे, और स्नैच करके और वो फिर बाइक पे ही भाग गए। तो तीन जो भागे तो उस समय वो तीन व्यक्ति थे, और इसमें जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी सीआईए की टीम और सिटी सिरसा की टीम, तीन टीमें टोटल इसमें लगी हुई हैं, और जैसे ही जल्द से जल्द जो है इनको अरेस्ट भी किया जाएगा और रिकवरी भी की जाएगी। हाँ जी, नाकेबंदी भी हमने की गई है, हमारी वैसे भी चेकिंग चलानिंग चलती रहती है, और सीसीटीवी फुटेज भी इसमें एक हमें मिली है, और भी जो है और जो आसपास के एरिया है वहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज जो हमारी टीम्स हैं वो ले रही हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द इसमें जो इसमें एक करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में रमेश जिंदल ने कहा कि उसका बेटा अंकुश जिंदल सुबह 11 बजे घर से चलकर दुकान में आया था। दो व्यक्तियों ने पिस्तौल तानकर इस वारदात को अंजाम दिया है। बैग में करीबन 5 लाख रुपए का कैश था। जिंदल ने कहा कि वे चाहते हैं कि डकैती का मामला दर्ज हो, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो, कैश की बरामदगी हो। सवेरे 11 बजे घर से चला है, पेमेंट का बैग उसके साथ था। 11:15 बजे यहाँ आया, शटर दोनों बंद थे, पैडी का गेट खोल के अंदर आया दुकान के अंदर आने के बाद ये कैबिन का गेट खोल के अंदर बैठा ही है। जैसे ही दो आदमी मुंह ढका हुआ था उनका, वो आए हैं, बेटे को कह रहे हैं भी आपको कैश वाला बैग दे दूँगी। बैग उन्होंने साथ में पिस्टल रख ली, उन्हें मत्थे पर सिर पे पिस्टल रख दी भी नहीं, पिस्टल चलाते हैं हम नहीं, बैग दे दो, बैग उसने दे दिया है। बैग देने के बाद भी कह रहे हैं हम फायरिंग करेंगे। वो लड़का बेहोशी की हालत में हो गया, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के पड़ोसी को फ़ोन किया है, उन्होंने फ़ोन करने के बाद मैं आया। लगभग 4,500 के करीब, उसमें सीमेंट की भी जो हमारी सेल थी वो भी है, कुछ मोबाइल की थी।